तेरे बच्चों बेटे, अपने कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। अपनी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। एक ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का टॉपिक था गैल्वेनोमीटर के अंदर, और एक वो एमीटर को कन्वर्ट करना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी थे। और कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं अपने पास, वो जो अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर एक सिंपल है न्यूमेरिकल आते हैं, वो कुछ बाकी हैं। कुछ बच्चों को ये टेंशन हो रखी है कि सर वीडियो डेली डालो, सिलेबस रह जाएगा, इस तरीके से टाइम नहीं है। तो मैं उन बच्चों को बता दूँ, बेटे आपके पास समय अभी है, ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट करो। 1 अक्टूबर से भी, अगर मान लिया 1 अक्टूबर से अगर क्लास स्टार्ट होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो हो जाएंगी, तो आपके पास से 3 महीने हैं, कम 4 महीने हैं आपके पास। आपके पास पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, जनवरी है जाके। जनवरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं बेटा, आपका जो सिलेबस बाकी है, आप ये मान के चलो कि आपकी फोर्थ यूनिट जो है वो 20 दिन की है। फोर्थ यूनिट जिसको ऑनलाइन मैं वीडियो बना के डालूँ पॉसिबल नहीं है। फोर्थ यूनिट ऐसे समझ में नहीं आएगी, नहीं डाल सकता। 2 दिन की आपकी है फिफ्थ यूनिट, केवल 2 लेक्चर की, वो मैं आपको वीडियो लेक्चर डाल के मैं दूंगा कल, या कल डाल दूंगा। फिफ्थ यूनिट का 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत छोटी यूनिट है। उसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 6, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट हुआ करती थी, उसको सिलेबस के हिसाब से जो करा गया है, उस सिलेबस को जो कट करा गया, कुछ पार्ट जो सिलेबस का कट करा गया है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी ऑप्टिक्स बच गई। अब 1 महीने की ऑप्टिक्स है आपकी, 1 महीना लेगा आप। मैं ये मान के चलो कि मैंने पूरा दिसंबर ऑप्टिक्स को दे दिया, मान लिया दिसंबर मैंने ऑप्टिक्स के लिए बचा के रख लिया, ठीक है। अक्टूबर के 20 दिन मैंने फोर्थ यूनिट करवा दी, बचेगा क्या? बच गया अपने पास 3 यूनिट। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर बेटा मैक्सिमम 5 लेक्चर की यूनिट है, मैक्सिमम 5 लेक्चर हैं, 6ठा लेक्चर नहीं है ड्यूअल नेचर का। एक यूनिट है आपकी एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बेटा 12 से 13 लेक्चर, मैक्सिमम 15 लेक्चर उसके हैं, ठीक है। तो मैं ये एश्योर कर देता हूँ बेटा आपको कि मैं चाहता हूँ कि वही मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस जो है वो मैं आपका रेगुलर क्लास में करवा पाऊँ। मैं इस वजह से वीडियो डेली नहीं डाल रहा कि मेरा सब्जेक्ट अलग है दूसरों सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री से या बायो वगैरह से या मैथ वगैरह से थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी बातें होती जो मैं नहीं बता पाता आपको। मैं इसलिए थोड़ा डिले करके चल रहा हूँ कि भाई मैं 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएं किसी न किसी तरीके से, तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है, जो 50% के आसपास सिलेबस जो आपका बचा हुआ है, वो सिलेबस आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अगर वो आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया, तो जो जो 3 यूनिट जो मैंने करवाई है, मैं इसका एक क्विक रिवीजन आपको करवा दूंगा जनवरी के अंदर, क्विक रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपको सिलेबस को कवर करने में आसानी होगी। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सिलेबस नहीं हो रहा है, सिलेबस चलो चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये टेंशन है बेटा, आप कहीं और कोई कुछ कोई टीचर पढ़ा रहा था वहाँ पढ़ सकते हो। तो मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं चल रहा हूँ। मुझे आप लोगों से कोई फीस नहीं लेनी, मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा कि भाई मेरी फीस दे दो, ये कर दो। तो बेटे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, 1 तारीख तक का वेट करते हैं। 1 तारीख तक मैं 1 तारीख तक मैं आपको ये थर्ड यूनिट आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, फिफ्थ करवा दूंगा, एक यूनिट और करवा दूंगा आपको मैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी मैं इसी में कवर कर दूंगा आपका।
ऑनलाइन सेशन के अंदर कवर कर दूंगा, ड्यूअल नेचर हो जाएगी ऑनलाइन सेशन के अंदर कवर कर दूंगा उसको, ठीक है। बच गई बेटा तुम्हारी केवल 4 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट मेन है, जिसको मुझे जो ऑनलाइन क्लास के अंदर करवानी है, एक मुझे 4th यूनिट रेगुलर करवानी है रेगुलर क्लास के अंदर, एक मुझे ऑप्टिक्स रेगुलर क्लास में करवानी है, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस 1 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा आपको आज 3rd यूनिट कंप्लीट करके कल आपकी 5th यूनिट है उसके दोनों लेक्चर डाल दूँ मैं कल। 4th में करवाऊँगा नहीं ऑनलाइन, ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैं एक ड्यूअल नेचर नाम की यूनिट है आपकी 7th, वो करवाऊँगा आपको। सिलेबस हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट द कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस, वो टाइम पे मैं आपको करवा दूंगा। मैं आपके ही फ्यूचर को सोच के मैं ये ऑनलाइन वीडियो कम डाल रहा हूँ जानबूझ के। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका मैं ऑफलाइन करवा पाऊँ, चाहे मुझे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, वो मैं रात को पढ़ाने पड़े, आप मुझे किसी भी टाइम पढ़ाऊँ, मैं आपको सिलेबस करवाऊँगा अच्छे तरीके से। अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो वो एक अलग बात है। तो बेटे आज इसकी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ एक बार, मैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, प्लीज़ आप लोग कर लेना। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर आप देखोगे कि रिलेशन आया था करंट का डिफ्लेक्शन के साथ, करंट सेंसिटिविटी आई थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आई थी, रिलेशन देखो पीछे आपको समझ में आएंगे। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए संट जोड़ा करते या रेजिस्टेंस जोड़ा करते, वो हमें पता है। ये IG गैल्वेनोमीटर करंट होता था, N होता था, यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स होती थी, के होता था यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट आपको पता बेटा, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है, करंट शोन बाई वन डिफ्लेक्शन, वन डिवीजन जो करंट शो करते उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, मैंने बताया था पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है। एक फिर वो मैग्नेटिक एलिमेंट आएंगे आपके, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स थे 3 थे, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था अगर आपको याद हो तो, आर कोस डेल्टा, एक अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट आया था आर साइन डेल्टा, दोनों को डिवाइड करके अपने पास रिलेशन आया था V/H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा, डेल्टा था यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और जो आर की वैल्यू आई थी अपने पास वो H² + V² आई थी, कुछ एक बेसिक रिलेशन थे जिनका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल आपको करवाऊँगा, अपनी बुक से ट्राई कर लेना, ठीक है। ज़्यादा ना ट्राई कर पाओ तो उतनी न्यूमेरिकल जरूर कर लेना जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, और NCERT के न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा बेटा, आपको ये बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस 900 ओम का इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर के साथ है कि 900 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम। ये बोल रहा है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस 100 डिवीजन, इसने बोला है कि भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो करता है। फिगर ऑफ मेरिट बताना है, फिगर ऑफ मेरिट मतलब के की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब 100 डिवीजन कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट निकालना बेटा, तो फिगर ऑफ मेरिट का मैं एक और आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। फिगर ऑफ मेरिट क्या था मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिगर ऑफ मेरिट था एक तरीके से करंट प्रोड्यूस्ड पर डिवीजन, एक डिवीजन या एक डिफ्लेक्शन कितना करंट प्रोड्यूस करता है उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं बेटे। मतलब के इज इक्वल टू होता I/थीटा, के इज इक्वल टू I/थीटा, थीटा होती डिफ्लेक्शन या डिवीजन, और आई होता बेटा V/R, तो ये बेटा V/R θ। तो मुझे बताओ इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा बेटा 900 + 100, 1000 ओम होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो के इज इक्वल टू वी कितना बेटा, वी है आपके पास 1 वोल्ट, तो 1 / 1000
इंटू थीटा कितने डिवीजन है बेटा, 100 डिवीजन है। तो सो उसको देख लो बेटा कितनी आ गई, 10^-5 एम्पियर पर डिवीजन, ये फिगर ऑफ मेरिट आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। उसके बाद एन एम्पियर, सेकंड क्वेश्चन है, एन एम्पियर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक आपके पास कोई एमीटर है, सॉरी एमीटर है, एक एमीटर है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 1 एम्पियर के लिए। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जो करंट आता है उसको बोलते हैं आईजी, गैल्वेनोमीटर करंट होता है। 1 एम्पियर इसने दे दिया, फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब मैक्सिमम करंट वो गैल्वेनोमीटर का करंट है, 1 एम्पियर इसने दे दिया। फिर इसने बोला है इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर था उसको हमने एमीटर में कन्वर्ट करा है, जिसकी रेंज दे रखी है आपको 10 एम्पियर। रेंज दे दी आपको उसकी इतनी, 10 एम्पियर की आपको रेंज दे दी। रेंज का मतलब आपको करंट दे दिया, करंट दे दिया आपको 10 एम्पियर। क्या एमीटर हमने बनाना है, 10 एम्पियर का एमीटर बनाना हमने। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टू द शंट रेजिस्टेंस, आपसे बोले तो शंट रेजिस्टेंस की और एक एमीटर के रेजिस्टेंस की रेशियो बताओ। अरे बेटा मैंने आपको ये बताया था, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में शंट जोड़ दिया, तो ये जो सिस्टम बन गया आपके पास ये एमीटर बन गया। तो इस सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब आपको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कहीं पर नहीं दे रखा। मैं अगर आपको देखो यहाँ पे, आप ये देखो बेटा संट की जो वैल्यू होती थी, संट का जो फॉर्मूला था, संट का जो रेजिस्टेंस था, जो फॉर्मूला सॉरी क्या था अपने पास, ये रिलेशन था आई जी जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, ये रिलेशन था बेटे। तो आई जी कितना है 1, जी हमें नहीं पता, नहीं दे रखा है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, कोई बात नहीं, 10-1। तो संट की वैल्यू कितनी आ गई, G/9 आ गई भाई, G/9 ओम का संट हमने कनेक्ट करा है। तो S की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे पूछा ये तो हो गया संट, संट का रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा एमीटर का रेजिस्टेंस, ये एमीटर पूरा पूरा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो 1/RP क्या होगा, 1/S+1/G, ठीक है, जी एस एल सी एम आ गया, जी प्लस एस 1/RP। तो RP एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, GS/Y में G+S हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब आपको बोला क्या गया, देखो ये इक्वेशन आ गई कि यहाँ पर जो संट है, संट किसके इक्वल है, G/9 के इक्वल है, जो संट की वैल्यू अपने पास वो G/9 के इक्वल है। तो RP इज इक्वल टू क्या बनेगा, G × G/9 डिवाइड बाई G+G/9। S की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहां से RP इज इक्वल टू, इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करो, G से G कटेगा एक, ये RP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी G/10। ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, ये संट का रेजिस्टेंस है, इनकी रेशियो निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड कर दो कि वैल्यू क्या आ जाए अपने पास, रेशियो क्या आ जाएगी, ये RP बाई में S इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दोनों क्वेश्चन NCERT के हैं, मैं आपको एक सिंपली बात बता दी, दोनों के दोनों क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन क्वेश्चन को करने में। आपको अगर आप ध्यान से देखोगे, NCERT को पढ़ोगे, तो आपको दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली तो क्वेश्चन इन दोनों में से आ जाता है। आपको ये बोला है गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 12 ओम, गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 12 ओम, ध्यान से सुनना मेरी बात, 12 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेनोमीटर का। और एंड मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 3 एम्पियर। जो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता था मैंने बता रखा है, ये IG है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट आता है वो IG होता है, ठीक है।
आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, इतनी ही वोल्ट का, मतलब ये आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया आपको, मतलब आपको वी दे दिया आपको 18 वोल्ट, ठीक है। आई जी आपको दे दिया 3 मिली एम्पियर, तो 3 × 10 की पावर -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपको दे दिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम का। आपसे बोला भाई गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। अरे भैया हमें पता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। तो आपसे पूछा भाई इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम एक काम करें, इस गैल्वेनोमीटर के साइड में जो रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम ये बोलते हैं इतना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ के हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक ही बात है, हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए किसके लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो किसके इक्वल होता है, ये था फॉर्मूला अपने पास, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। तो वैल्यू पुट कर दो यार, क्या है फॉर्मूला अपने पास, वी बाई आई जी माइनस जी। तो आर इज इक्वल टू वी कितना है, वी 18, आई जी कितना है 3 × 10 की पावर -3, माइनस जी कितना है 12, क्वेश्चन खत्म आपका। ध्यान से देखोगे इसको, सोल्व करके देखोगे इसको, ये कितना आ गया अपने पास यहाँ पे, ये आ गया 18,000 डिवाइड बाई 3 - 12, ये कितना आ गया 6,000 - 12। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, वैल्यू को ध्यान से देखो 5,988 ओम आ गया भाई। इतने ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के लिखोगे आप यहाँ पे, वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर फॉर दिस कंडीशन बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये तुम लोगों ने अपने आप करना है। ये किसके लिए है, ये एमीटर के लिए है, एनसीईआरटी के अंदर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज अपने आप करना है तुम लोगों ने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, आपको ये बोला गया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ये बोला गया है कि एक मूवी, दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं, दो मूविंग कॉइल मीटर हैं ये, M1 और M2, उनकी रीडिंग दे रखे हैं, फॉलोइंग पर्टिकुलर पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको। आपसे पूछा उनकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो बतानी है आपने कितनी होगी, ठीक है। अब हमें पता भाई करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है NBAY में K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है IS/R के इक्वल। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सारी की सारी वैल्यू ध्यान से देखोगे तो, केवल K को छोड़कर जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो आपसे पूछा इन दोनों, एक ये M1 है ये M2 है, ये कुछ इस तरीके से है, ये शायद इसमें कवर अप ना हो, तो ये ऊपर वाली रीडिंग M1 की है, नीचे वाली रीडिंग M2 मीटर की है, ठीक है। तो IS ये पहले मीटर के लिए निकाल लिया मैंने, पहले मीटर के लिए क्या बनेगा, N1 B1 A1 बाई में K, K स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। डिवाइड बाई IS सेकेंड की क्या बनेगी, N2 B2 A2 डिवाइड बाई K से K कैंसिल, तो क्या आ गया N1 B1 A1 डिवाइड बाई N2 B2 A2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे इसकी। अगर आप इसको थोड़ा हाँ, और जो वैल्यूज अगर आपको दे रखी हैं उसको अगर ध्यान से आप देख पाओ तो अच्छा, गिवन आपको ये दोनों मीटर के स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल हैं, ध्यान रखना मैंने के को वैसे ही सेम लिया, इस क्वेश्चन में मैंने लिख रखा नहीं लिख रखा वो एक अलग बात है, आपको गिवन है कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, इसलिए मैंने के को कैसे कैंसिल करा है। N1 कितना है 30, B1 कितना है, B1 0.25,
ये दे रखा है, इनटू एरिया कितना होगा, जो भी एरिया अपने पास यहाँ पे, जो एरिया अपने पास, एरिया कितना है 3.6 × 10⁻³ डिवाइड बाई एन टू 14, बी टू 0.50, ए टू 1.8 × 10⁻³। सोल्व करो इसको, आई एस वन बाई में आई एस टू, इनकी रेशो आपसे पूछी थी, कैलकुलेट करोगे तो ये 1.4 आ जाएगी। ठीक है, अब वी एस की रेशो निकालनी है, तो वी एस वन बाई में वी एस टू अपने आप निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आई एस की रेशो आपको पता लग गई, आर आपको दे रखे हैं दोनों के दोनों, आई एस वन वी एस वन क्या होगा, आई एस वन बाई में आर वन, वी एस टू क्या होगा, आई एस टू बाई आर टू, सोल्व कर लेना हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है भाई, आसान है क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज दिस, एच दे दिया आपको, ये बोला भाई किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, एंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस 60 दे रखा है, आपसे पूछा वर्टिकल कंपोनेंट बताओ और टोटल इंटेंसिटी बताओ अर्थ मैग्नेटिज्म की। भैया वर्टिकल कंपोनेंट V इज इक्वल टू क्या होता है, H टेंजेंट डेल्टा होता है। फॉर्मूला, फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, ये होता था V बाई H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा, तो V इज इक्वल टू H टेंजेंट डेल्टा, डेल्टा दे रखा है, H दे रखा है, फाइंड आउट कर सकते हो। फिर पूछा आपसे टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी होती है R, हमें पता R इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर प्लस एच स्क्वेयर होता है, खत्म क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। ठीक है बेटे, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और है, ये तुम लोगों ने खुद करना है, एच दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, वी निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, यहाँ पे आपसे पूछते हैं भी एंगल ऑफ डिप निकालो फॉर विच वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिज्म के बराबर हो जाए, डेल्टा निकालो। अरे भैया अगर V इज इक्वल टू H है, V क्या होता है R साइन डेल्टा, H क्या होता है R कोस डेल्टा, अगर V और H बराबर तो ये बराबर है, R से R कैंसिल, इसका मतलब टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप के लिए V और H बराबर होते हैं, ध्यान रखना। और सिलेबस की टेंशन मत लो बेटे, जो मैंने बताया मेरी बात पर विश्वास करो, अगर करना चाहते हो तो सिलेबस मैं करवाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से करवाऊंगा, थोड़ा विश्वास करो। मैं जानबूझ के थोड़ा सिलेबस वीडियो नहीं डालता तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो वीडियो है अपने पास इस तरह फोर्थ यूनिट है वो पॉसिबल नहीं है समझाने। ठीक है बेटे, फिफ्थ यूनिट की वीडियो डालूंगा और सेवन्थ की डालूंगा, दो यूनिट आपको करवा दूंगा अभी, उसके बाद कुछ नहीं बचा सिलेबस के अंदर, बहुत कम सिलेबस है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा आराम से, चिंता मत करो।